अब तक आपने देखा अमी के रिजल्ट्स का दिन। डर के मारे वो अपने पापा को याद करती जो अब इस दुनिया में नहीं है। अमी मैथ्स में फेल हो जाती। श्रुति को ऑफिस में अमी के घर ना पहुंचने की खबर मिलती है। पूरा परिवार परेशान है। पर तभी अमी लौट आती है और कहती है कि वो श्रुति का गुस्सा ठंडा होने का इंतजार कर रही थी। इस बात पे अमी को डांटने के बजाय श्रुति उससे बात करना बंद कर देती है। अमी बा को लेकर डॉक्टर के पास जा रही होती है, तभी सिनेमा हॉल के बाहर उसे विकी मिल जाता है। अमी और बा खुद को रोक नहीं पाती और खुशबू को लेकर फिल्म देखने चली जाती हैं। जब बा, अमी और खुशबू घर पहुंचते हैं तो श्रुति गुस्से में, उसे पता चल गया है कि वो डॉक्टर के पास नहीं गए। श्रुति को लगता है कि वो अपनी बेटियों को हर्ष की तरह खुशहाल जिंदगी नहीं दे पा रही। नानी घर की छत की मरम्मत के लिए श्रुति को पैसे देती है, पर श्रुति पैसे लेने से इनकार कर देती है। नानी भावुक होकर श्रुति को समझाती है कि इतनी लंबी जिंदगी वो अकेले नहीं काट पाएगी, उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। ये बात अमी सुन लेती है। अब आगे। आप मेरे लिए दूसरा पापा लाएंगी नानी? मम्मी की दूसरी शादी कराएंगी आप? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा हैं, वो कहीं नहीं गए, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। कुछ नहीं देना मुझे, कोई मेरा पापा नहीं बन सकता, कभी नहीं। अमी, 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 दरवाजा खोल अमी। है बेटा, कहाँ जा रही है? अपना लैंप बचाने, क्योंकि मुझे पता है जब तक दीदी कोई लैंप नहीं तोड़ेगी तब तक उनका गुस्सा ठंडा नहीं होगा। अमी, अमी, खुशबू क्यों आई है तू अंदर? लाम, तू जाती है कि नहीं? क्यों? ये मेरा भी रूम है। और बाय द वे, वो लाम भी मेरा है। खुशबू, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तू जा वरना तू मेरी बहन नहीं। अच्छा, तो क्या मैं जसवीन की बहन हूँ? खुशबू, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, जा रही हूँ। दरवाजा मत खोलना। अरे तो बाहर कैसे जाऊँ मैं? पहले खुद ही कहती हूँ कि बाहर जाओ, और अब कह रही हूँ कि दरवाजा मत खोलना, और कि तुम कभी बाहर नहीं आओगी। नहीं, मैं उनके पास कभी नहीं जाऊंगी, उनसे कभी बात नहीं करूंगी। तुझे पता है नानी क्या करने वाली है? क्या? ओ, नहीं रहने दे, तू बस बाहर जा। अरे नहीं, एक मिनट, एक मिनट। दीदी, पहले ये तो डिसाइड कर लो तुम कि अंदर कितने दिन रुकने वाली हो। आई थिंक एक दिन के लिए फ्रूट्स काफी होंगे, नहीं? ओके, लेकिन तीन चार दिन के लिए तो खाना खाना पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, मैं खिड़की से कूद के जस्तु बहन के यहाँ से खाना ले आऊंगी। लेकिन उनके यहाँ पे तो रोज करेले की सब्जी बनती है, कैसे खाएंगे हम? और जैसे मम्मा रोज रात को चॉकलेट देती है ना, वो भी नहीं मिलने वाली। क्या कर रही हो
दीदी। तेरी बकबक सुनने से तो अच्छा है ना उनकी बात सुन लूं। अमी चलो 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 चलो। नानी दीदी गुस्सा क्यों होती? अरे है कोई छोटी सी बात। तुम एक काम करो, बाहर जाके बॉल के साथ खेलना। मैं भी आती हूँ। बच्ची का दिल दुखाकर आप कहती छोटी सी बात है? तो श्रुति समझा रही है ना उसे? अम्मी के दिल में हर्ष के लिए क्या जगह है आप नहीं जानती। 2 साल हो गए उसे गए हुए, लेकिन आज भी उसने अपने पापा को जीवित रखा है। आपसे हमसे सबसे ज्यादा वो अपने पापा का सहारा लेती है, और आपने कैसे सोच लिया कि वो किसी और को उसकी जगह लेने देगी? सबसे अच्छे पापा, सबसे अच्छे हस्बैंड थे। हमारे दिल में कोई और उनकी जगह कैसे ले सकता है? अम्मी मैं डर गई थी मम्मी। मम्मी तुम्हारे पास है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। डर क्यों नहीं लगेगा? माँ हूँ उसकी, उसके भविष्य की चिंता मुझे नहीं होगी तो और किसे होगी? दो दो बच्चियों को संभालना, घर चलाना, सारी जिम्मेदारियां निभाना कोई आसान काम है क्या? ले तो बाहर जाकर खेल, ठीक है? मम्मी, नानी ने कहा कि आपके लिए संजय अंकल का फोन आया है। हाँ संजय बोलो। वो मैंने 2-3 दिन की छुट्टी ली है, सोचा हर्ष के इंश्योरेंस के बारे में बात भी कर लूंगी और बच्चों के साथ थोड़ा वक्त भी बिताऊंगी। फैंटास्टिक, मैंने इंश्योरेंस कंपनी से बात कर ली, हमें कल जाना है, मैं तुम्हें पिकअप कर लूंगा। और सुनो, होपफुली कल ही तुम्हारा क्लेम पास भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मैं तैयार रहूंगी। थैंक्स वंस अगेन, बाय। टेक केयर, बाय। कल मैं संजय के साथ हर्ष के इंश्योरेंस के बारे में बात करने जा रही हूँ। एक बार पैसे मिल जाएंगे तो हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा, फिर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। खुश? मतलब कल इंश्योरेंस का चेक मिल जाएगा? उम्मीद तो यही है, तेरे पापा के प्लानिंग में गड़बड़ थोड़ी हो सकती है, है ना? इससे पहले 35 बार आ चुकी हूँ मैं इस ऑफिस में, बस ये लास्ट टाइम है। Hopefully इसके बाद आना होगा। Yeah, hope so. Thanks. क्या हुआ कांताबेन? आपकी मम्मी है घर पे? नहीं, वो किसी काम से मार्केट गई है। ओह, किताबें छोड़ के गई होगी मेरे लिए। अच्छा रुको, मैं अभी आती हूँ। अरे दीदी मम्मी का तो वेट कर लो, वो पैसे लेके आते ही होंगे। हाँ पैसे आते ही न्यू बुक्स भी आ जाएंगे, पर मम्मी ने कांताबेन से प्रॉमिस किया है ना, और अगर नहीं दूंगी तो प्रॉमिस टूट जाएगी। और पापा कहते हैं ना, हाथ टूट जाए या पैर टूट जाए, प्रॉमिस टूटनी नहीं चाहिए। ये लो कांताबेन, मेरी मम्मी की तरफ से अपनी बेटी को दे देना, और मुझे आशीर्वाद भी दे दो। जीती रहो बेटा, खूब पढ़ो लिखो और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना। तुमने देखा, मुझे आशीर्वाद भी मिल गया। मैम क्या आप बता सकती हैं आपके पति की मौत की वजह क्या हो सकती है? जी उनका एक्सीडेंट हुआ था, पर ये तो फाइल में लिखा है। फाइल में तो बहुत कुछ लिखा है, बट आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट कि आपका क्लेम रिजेक्ट हो चुका है। रिजेक्ट? मगर क्यों? मैम हमारे सर्वेयर्स ने आपके क्लेम का इन्वेस्टिगेशन किया है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक
आपके पति मिस्टर हर्ष जोशीपुरा की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई, बल्कि उन्होंने खुदकुशी की। हम आपके पैसे नहीं दे सकते। आई एम वेरी सॉरी। ये क्या कह रहे हैं आप? हर्ष सुसाइड नहीं कर सकते, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। आपको क्या पता फैक्ट क्या है? फैक्ट तो ये है कि हर्ष अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। वो प्यार करते थे अपने परिवार से, अपने बच्चों से। अमी और खुशबू को छोड़ के वो नहीं जा सकते थे, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कोई गलतफहमी हुई है, हर्ष सुसाइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन मैम, अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? आपने मेरे सामने तो कह दिया, अगर अमी ने ये सब सुन लिया तो क्या होगा? झूठ बोल रही है संजय, झूठ बोल रही है। हमें ये पैसे नहीं देना चाहते, इसलिए हर बार कोई ना कोई नई कहानी बनाते हैं। एक सच्चे शरीफ इंसान के बारे में इतनी घिनौनी बात करते हुए शर्म नहीं आती आपको? श्रुति, रिलैक्स। व्हाट रिलैक्स यार? कहां तुम इनसे? ये झूठ बोल रहे हैं। मैं बात करता हूं। सब आपने एक आदमी पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, आप समझते इसका मतलब क्या होता है? इसका कोई सबूत है आपके पास? कहां से लाएंगे सबूत? कहां से लाएंगे सबूत? झूठे हैं आप और झूठी है आपकी इंश्योरेंस कंपनी। श्रुति, किस बात पे ये जिंदगी, किस बात पे ये जिंदगी नाराजगी? आपके पति मिस्टर हर्ष जोशीपुरा की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई, बल्कि उन्होंने खुदकुशी की। इस सूरत में आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी रद्द हो जाती है। आई एम वेरी सॉरी, हम आपके पैसे नहीं दे सकते। आपके पति आखिरी दिनों में काफी डिप्रेस थे। श्रुति, संजय गाड़ी रोको प्लीज। श्रुति लिसन, रिपोर्ट्स गलत भी हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त वापस वहां जाने से कोई फायदा नहीं। हम इंक्वायरी करवाएंगे, मैं पर्सनली जाके। मुझे मिठाई खरीदनी है। आधा किलो बेसन के लड्डू, आधा किलो कलाकंद और 200 ग्राम काजू कतली। वो बा के लिए बेसन के लड्डू, आमी के लिए कलाकंद और काजू कतली जस्सू बेन के लिए, दोनों बेटियों की पास होने की खुशी में। और हाँ, वो 6 पीस मावा केक भी दे दीजिए खुशबू के लिए, मेरा अंग्रेज बच्चा है वो। ताकि घर पे कोई तुमसे कुछ पूछे नहीं। घर पे किसी को इस बात की भनक नहीं होनी चाहिए संजय। अगर अमी को पता चला तो। श्रुति एक मिनट, श्रुति वो काजल स्मज हुआ है थोड़ा सा, ठीक कर लो। अरे एक हफ्ते में तेरी कोई लॉटरी लगने वाली है? नहीं बा, इंश्योरेंस के पैसे आने वाले हैं, फिर मैं घर भी ठीक कर दूंगी और मेरा कंप्यूटर भी, मेरा साइकिल भी। मिरर है वहां। हाँ अब ठीक है, घर जब तक पहुंचेंगे पता नहीं चलेगा किसी को। ये लीजिए मैडम,
जी। ये लीजिए। संजय, संजय प्लीज। श्रुति। संजय, हर्ष के जाने के बाद बहुत कम ऐसे हुआ है कि मैंने खुले हाथ से खर्चा किया है, लेकिन आज इसकी जरूरत है, प्लीज प्लीज मुझे करने दो। ऑलराइट। जी, थैंक यू। संजय, तुम्हें लगता है कि जो कुछ उस ऑफिसर ने आज कहा वो नहीं, मेरा मतलब है वो हर्ष के बारे में। श्रुति, ये क्या बोल रही हो तुम, और ये क्या सोच क्या रही हो तुम? हर्ष, सोच भी कैसे सकते हम ऐसा, हमेशा हंसता रहता था वो। नहीं श्रुति, मेरा मन नहीं मानता। और मेरा क्यों, तुम्हारा भी तो मन नहीं मानता, तो फिर किसी तीसरे इंसान की बात सुनकर हम अपने आप को क्यों पनिश कर रहे हैं? तुम ठीक कह रहे हो संजय, पर पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। जो हालात पैदा हुए ना, उससे बहुत डर लग रहा है मुझे। इन पैसों से सबकी उम्मीदें जुड़ी हैं। और वो सारी पूरी होंगी। हाँ श्रुति, वो सारी उम्मीदें पूरी होंगी। श्रुति, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। सबूत से बड़ा कुछ नहीं होता। हम ये प्रूफ कर देंगे कि इन पैसों पर तुम्हारा, हर्ष की दोनों बेटियों का हक है। थैंक यू संजय। थैंक्स। थैंक यू। अब जाओ चाय नाश्ते की तैयारी करो। 6 बज गए, श्रुति अब तक आई नहीं। फिक्र क्यों कर रही हैं आप, आ जाएगी, संजय भी है ना साथ में। बड़ा नेक बच्चा है। हर्ष और संजय जब स्कूल जाते थे तो अपना घर समझकर यहाँ आ जाया करता था, और हर्ष के जाने के बाद और भी, और मदद के लिए बोलने से पहले तैयार हो जाता है। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि उसको ये क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आपका और मेरा बेटा एक नंबर का खोटा सिक्का है। मेरा बेटा बहन को मदद करने के नाम से भी दूर भागता है, और आपका? मेरा बेटा खोटा नहीं। हाँ हाँ, लेकिन उसके साथ जो है वो तो खोटी है ना, कई भी देवी दिखती है उसके सामने। उसको अरे आगे श्रुति। मम्मी, मामा। सब ठीक तो है ना बेटा? बा, ये लड्डू आपके लिए। खुशबू। थैंक यू मम्मा। मम्मी, तेरे लिए कलाकंद। वाओ मम्मी। बेटा सब ठीक तो है? ये मिठाई मैं बेटियों की पास होने की खुशी में लाई थी। जिस काम के लिए गई थी उसका क्या हुआ? हाँ, हो जाएगा, वो बस पेपर वर्क बाकी है, जल्दी हो जाएगा। काजू कतली जस्सू बहन को देना, हमेशा बोलती रहती है ना। क्यों, उन्होंने तो कभी हमें मिठाई नहीं खिलाई। जब सनी का सेलफोन आया हम क्यों दे? क्योंकि दीदी सेलफोन रिपोर्ट कार्ड नहीं होता। इसका मतलब है पैसे मिलने में और समय लगेगा। जी, तो क्या हुआ, अभी तक तो चलता ही रहा है, कुछ महीने और चल जाएगा। हुआ क्या मम्मी, बताओ ना। मैं अभी आती हूँ। माँ, अब तैयार तो? कब से तैयार होके बैठी हूँ, तुम्हारा इंतजार करते करते नीचे आके बैठ गई। कहाँ से तुम? सॉरी माँ, वो दरअसल
श्रुति के साथ चला गया था इंश्योरेंस कंपनी। हर्ष के क्लेम को लेकर वो बहुत परेशान है, तो एक दोस्त होने के नाते मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। संजय, उसके घर में और लोग भी तो है ना उसका साथ देने के लिए, बस एक तुम ही रह गए हो। माँ, आप जानती हो ना सपना। हाँ, देख बेटा, श्रुति को अपनी उलझने खुद सुलझानी पड़ेगी। माँ, 5 मिनट और वेस्ट करी तुमने बातों बातों में, जाना है कि नहीं? मुझे कह रहा देर हो रही है, चल बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। नहीं माँ, बात वो नहीं है, अब बात तो समझो। खुशबू, मैथ की किताब कांता बहन को दे दी और मम्मी को पैसे भी नहीं मिले, 200 रुपए की है, क्या करूं? ऑप्शन ए चोरी करो, या ऑप्शन बी ठीक मांगो, या ऑप्शन सी फेल हो जाओ। दीदी, अब यही 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास, मम्मी को बोलोगी तो बहुत डांट पड़ेगी। चुप कर, झूठ बोलूंगी तो और डांट पड़ेगी। मम्मी अभी ना बहुत परेशान है, तो इसलिए अभी सत्यवादी हरिश्चंद्र की नहीं गांधी जी की बात मानो, क्योंकि जिस झूठ से किसी का भला होता है वो झूठ सच से भी बढ़ती होता है। क्या हुआ मम्मी? यहाँ क्यों? अब क्या किया तूने? वो आज मेरा लकी डे था, मैं मोनोपोली में सबसे ज्यादा जीती और फिर आप मेरे लिए कलाकंद ले आए, तो मेरा लकी डे तो मुझे अच्छा अच्छा करना चाहिए ना, और अपनी मम्मी की खुशी के लिए तो कुछ भी करना चाहिए। सीधे सीधे बताओ तुमने किया क्या है? मम्मी, सब कुछ सिर्फ आपके लिए, वो आपने कहा था ना इसलिए। आमी, मम्मी मैंने अपने सारे बुक्स कांता बहन को दे दिए। उसकी बेटी के लिए, जैसे आप हर साल उसे देते हैं, मुझे लगा कि हम नई बुक्स खरीद सकते हैं इसलिए। और बानी तो कहा था कि हम अमीर होने वाले हैं। मैंने? आपने नहीं कहा था, पर उन्होंने कहा था कि हमें अभी पैसे की कोई कमी नहीं होगी, और आप भी तो कहते हैं ना कि दिया हुआ वादा पूरा करना चाहिए, और आपने वादा किया था तो आपका वादा टूट जाता, मैं कैसे टूटने देती आपका प्रॉमिस मम्मी। तुम जैसे दानवीर लोग मेरे ही घर में क्यों पैदा हुए? मैं भी अपनी बुक्स दे दूं। खुशबू, 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 तू ठीक तो है ना? चोट तो नहीं लगी तुझे? माँ, फ्लावर से गिरा फूल नहीं। ओ मेरा बच्चा। माँ, ये भगवान, ये प्लास्टर फिर से क्यों गिरने लग गया? अब तो पूरी छत के टुकड़े होकर गिरने लगे हैं। श्रुति बहन, इस छेद को बंद करने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला, पूरा छत कमजोर हो चुका है, अगर प्लास्टर नहीं करवाया तो ये फिर से गिर सकती है। तो इसमें खर्चा कितना आएगा? लगभग 50,000। 50,000? 50,000? 50,000 तो है ना आपके पास जसुबेन? हाय हाय, गिर गई छत। सच बताओ श्रुति, मैं तो सोच ही रही थी कि जिस दिन ये मकान की छत गिर जाएगी ना, उस दिन मैं ये मकान बेच दूंगी। छत गिरती है तो गिरे, लेकिन मैं एक पैसा इसके पीछे खर्च नहीं करने वाली, समझ गई? इससे सस्ते में हो सकता है क्या? ठीक है, अभी का काम तो 10,000 में हो जाएगा। भाई साहब, ये बहुत ज्यादा है, कुछ कम कीजिए ना। प्रवीण भाई, सामान भी तो कितना महंगा है। पटेल भाई, सामान की चिंता मत कीजिए, सामान मैं आपको सस्ते में दिलवा दूंगा। और लेबर भी तो लगेगा। मम्मी, प्लास्टर करने में हम सब मदद कर सकते हैं क्या? हम? प्रवीण भाई, ये बच्चों का खेल नहीं है। हम? नानी, हम क्यों नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अरे
आजकल तो बच्चे कंप्यूटर पे सारी दुनिया बना देते हैं, तो इस छत की क्या बात है। मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं भी हूँ। मैं भी हाँ, हम सब साथ साथ हैं। ठीक है प्रवीण भाई, एक आदमी और मिल सकता है क्या? हाँ वो मैं संग, वो तो काम में बिजी होगा। अरे सतीश को बुला लेते हैं, वैसे भी किसी काम का नहीं, कम से कम इस काम में लगा दे उसको। हाँ अभी फोन लगा दे। ओह संजय अंकल। हाय देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। क्या हुआ? छत से प्लास्टर फिर गिर गया। छत से प्लास्टर नहीं, पूरी छत ही गिर गई है। संजय ये अमी का आइडिया होगा, मिस्त्री ने पैसे ज्यादा मांग लिए होंगे। और जसुबेन अमी सब कुछ चाहिए। एक्चुअली बिल्डर ने ब्लैक का ऑफर दिया होगा। ये जसुबेन को 5 रुपए का फायदा होता ना तो कुछ भी कर बैठती है। इनकी I'm sorry, घर की हालत ऐसी है। और मम्मी जरा इनका ध्यान रखना, चाय पिलाइए। संजय मैं एक ब्रोकर को जानता हूँ। नमस्ते, चाय पियेंगे? नहीं नहीं सॉरी, ये झूठी है। हाँ जाइए जाइए। अमी दूसरी चाय लेके आना। मुझे तो लगता है हमें जसुबेन को एक सबक सिखाना चाहिए। प्लीज संजय, फॉरगेट अबाउट जसुबेन। इसे यहाँ लाने से पहले तुमने मुझसे पूछा क्या? नहीं ना, आज घर में 10 लोग हैं। अगर किसी ने मुझसे कुछ पूछ लिया तो क्या बताऊंगी मैं, क्या बोलूंगी? और किसी को अगर शक हो गया तो? क्या हो मम्मी, आप इतने डरे क्यों? दादाजी की घड़ी तो नहीं टूट गई ना? कोई बात नहीं, मैं भाग को नहीं बताऊंगी। नहीं घड़ी नहीं तोड़ी। तो जसुबेन ने कुछ बोला? कोई बात नहीं, संजय अंकल डरा देंगे उनको। अरे ये क्या, गुंडों वाले काम कराओगी मुझसे? पुलिस पकड़ के ले गई तो मुझे? कोई बात नहीं, जेल में मिलने आएंगे हम लोग। ये सुन लो, तुम्हारी छोटी बहन दादी, तुम्हारी माँ डाकू और तुम डाकू की बेटी। मुझे लगा तुम लोग मेरे दोस्त हैं। ये लीजिए मैम। तू ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, डोंट गेट टेंस। अब श्रुति अब खुशबू खुशबू का है। ऑलराइट टेक केयर, बाय दादी मां। ओ नहीं 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 नहीं, अरे श्रुति श्रुति चलो चलो जल्दी चलो चलते आओ। सॉरी नो वरीज, टेक केयर, आई विल सी यू, बाय बाय, थैंक यू। अरे संजय भाई। अरे सतीश भाई, आप कब आए? हम तो अब जा रहे थे बस। आप आशीष कोटक है ना, वो बड़े लोग हैं। आप यहां पर कैसे हमारे घर पे? वो संजय वो बहुत दोस्त है मेरा, हम लोग गुजर रहे थे, सोचा मिलते चले। श्रुति बहन, कोई कोर्ट कचहरी का मामला तो नहीं है ना? कोर्ट कचहरी? अरे आशीष भाई आप बताइए, आप यहां पर किसी केस के सिलसिले में आए हैं क्या? मामा उन पे केस तो करना ही पड़ेगा। मामा आपको पता है ना, वो छत बनाने के पैसे नहीं दे रही, केस भी करेंगे और उनको जेल में भी डाल सकते हैं, है ना संजय अंकल? नहीं नहीं नहीं, केस करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मैं आशीष को सिर्फ छत दिखाने लेकर आया था, कितनी बुरी हालत में छत। अगर आगे चल के कोई केस करना है तो एक स्ट्रॉन्ग केस बना पाएगा आशीष, राइट आशीष? करेक्ट, देखा मैंने, बहुत खराब है, वेरी बैड। हाँ मेरा कार्ड। हाँ ये लीजिए। थैंक यू आशीष अंकल। हाँ। मैं इसे संभाल के रखूंगी। हाँ। आपको जस्तू बहन के खिलाफ जो भी सबूत चाहिए मैं दूंगी। किरायेदार को सताने की सजा 6 महीने तक जेल में रह के चक्की पिसवाते हैं वो, और पता टॉयलेट भी साफ करवाते हैं, है ना अंकल? करेक्ट। आशीष जरा प्लीज मुझे भी एक कार्ड दे देना।
जान पहचान वाला लॉयर होना बहुत जरूरी होता है। जी जरूर। संजय भाई, आपकी सोच बहुत आगे की है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा चलते अब, चले। सी यू, बाय बाय बाय। मिलते बाद में। बाय 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 ब्यूटीफुल। बाय बाय। चलिए साफ सफाई करनी है। मम्मी, अंकल बहुत स्मार्ट है ना। यू आर राइट संजय, मैं मानती हूँ कि लॉयर की मदद लेना अच्छी बात है, लेकिन सच कहो ना तो मेरे पास सालों इंश्योरेंस कंपनी से लड़ने की ताकत है और ना ही पैसे। श्रुति, श्रुति, हम लॉयर क्यों हायर कर रहे हैं? ताकि हमें इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए, राइट? तो मतलब ये कि लॉयर को देने के लिए पैसे निकालने से ही लॉयर को देने के लिए पैसे आएंगे। एक मिनट प्लीज, मुझे कंफ्यूज मत करो। कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि हम दोनों इस टास्क के पीछे अपना टाइम, अपनी एनर्जी सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं। एक काम करते हैं, आज से सोचने का काम मेरा, समझने का काम तुम्हारा, डील? मेरी तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा, बट ठीक है, बोलो क्या करना है। ग्रेट, तो मैं आशीष को बोलकर इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक नोटिस ड्राफ्ट करवाता हूँ, उसके बाद जैसा आशीष बोलेगा हम वैसा करते जाएंगे। लेकिन संजय, आगे से उन्हें यहाँ मत लेकर आना प्लीज। अगर कोई काम होगा तो हम उन्हें ऑफिस में मिलेंगे। तुम जानते हो ना अमी कितनी सेंसिटिव है, स्पेशली हर्ष को लेकर। वो हर्ष के बारे में बुरा सुन भी नहीं सकती, और ये सुसाइड, मैं ये सब बातें घर पर नहीं करना चाहती प्लीज, अमी की खातिर, मम्मी की खातिर। खुशबू, हमें करना ही होगा। आपके डायलॉग फिल्मों में नहीं चलता। डायलॉग को छोड़ो, सीन पे ध्यान दो। विकी, तू रेडी है ना? तो हो जाओ शुरू। लेकिन पहले एक्शन बोलते हैं। हाँ हाँ एक्शन। नहीं जस्टुबेन, ऐसा मत कीजिए प्लीज। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो ये घर टूट जाएगा, मेरी माँ को हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरी मम्मी वो रो रो कर बेहोश हो जाएगी, और मेरी छोटी मासूम बेचारी खुशबू। अरे लोग ऐसे ही नाटक कर रहे हैं। एम? हाँ, मैं देख कर आता हूँ, अब यहीं पर रुकिए। जा जा। मर जाने दो खुशबू को। मेरा नाम है जस्तु चुड़ैल। जब बच्चे मरते हैं ना तब मैं जोर जोर से हंसती हूँ। ए चुप, ये घर तेरा है और छत मरम्मत करने के लिए पैसे भी तू ही देगी। जा जा। और अगर तूने पैसे नहीं दिए ना, घसीट के थाने ले जाएंगे, वाह चक्की पिसवाएंगे, झाड़ू लगवाएंगे वहां पे। नहीं, मैं इंस्पेक्टर जी, मुझे पुलिस नहीं जाना है, मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना है। मैं ये छत बनाने का पूरे पैसे दे दूंगी, लेकिन मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, मुझे थाने नहीं जाना। बहुत अच्छा जासूस बहन, अब तो हम दोस्त बन गए, चलो हाथ मिलाते। हाँ, चलिया। ए रुको रुको रुको, बस शुरू हो गई, तालियां बंद, तुरंत शुरू हो जाता है। और तू क्या क्या हाथ मिलाने की बात कर रहा है? जस्तु बहन किसी के भी साथ हाथ नहीं मिलाने वाली, समझा? और तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है अब तक? हाँ देख, एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, आज से तेरा ये शैतान टोटी के साथ खेलना बिल्कुल बंद, समझ गया? चल घर चल। दीदी कार्ड कौन सा है ये? हाँ एक सेकंड ना। अरे ये तो वो वकील का है। हाँ आशीष कोटा। हाँ जो अभी आया था ना। हाँ, हाँ। वो जेल में डालने के लिए। हाँ, वही वही वकील जेल। एक मिनट, आशीष कोटक। हाय हाय, ये तो बहुत बड़ा नामचीन वकील है ना? हाँ, मेरे चाचा तो पुलिस सुपरिटेंडेंट है ना, वो भी जानते हैं वो आशीष कोटक को। वो तो बहुत अच्छी बात है ना बेटा। जरा जरा मुझे ये भी बता दे कि वो ये आशीष कोटक रिद्धि सिद्धि निवास में आए थे क्या? हाँ मैंने उन्हें देखा था, जब ये लोग सुबह छत बना रहे थे ना तभी वो यहाँ पर आए थे। तूने भी देखा था गधेड़ा जैसा। हाँ जस्तुबेन, और अगर वकील ने आप पर
केस कर दिया तो इतना ही नहीं बहुत सारे इल्जाम लग सकते हैं आपके ऊपर। जरा बताना खुशबू कौन से। हाँ हाँ पहले मानसिक यातना और वेतन हानि, बाल मजदूरी और मनोरंजन का नुकसान। मनोरंजन का नुकसान ये कौन सा इल्जाम हुआ है? क्यों दो मासूम बच्चों और बा को टीवी छोड़ के छत बनानी पड़ी। बहुत बड़ा जुर्म है ये दस्तुबेन। अगर साबित हो गया ना तो बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। परिवार की मानसिक क्या था 40,000 और मम्मी के वेतन हानि 20,000 और बाल मजूरी को तो 4,00,000 और बाकी मनोरंजन का नुकसान कुछ। अरे बहुत हो गया, चल 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 भाग यहाँ से। जसू बेन को रात में नींद नहीं आई होगी। आमी मैं बैंक जा रही हूँ। एफडी से पैसे निकाल ले छत के लिए। पर पैसे तो जसू बेन को देने चाहिए ना मम्मी। देने तो चाहिए लेकिन अगर वो नहीं देंगे तो मुझे ही देने पड़ेंगे ना। उनसे लड़ाई थोड़ी करेंगे हम। लड़ेंगे नहीं पर डराएंगे है ना। जब हमारा लॉयर केस करेगा ना उन पर तो डर के मारे सारे पैसे दे देंगे जसुबेन। कोई केस वेस नहीं करेंगे। हमारी जरूरतें हम खुद पूरी करेंगे। पर मम्मी इतने सारे पैसे कैसे? पैसे आ जाएंगे। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना सब संभालूंगी। ठीक है बाय बाय। अगर जसुबेन पर केस नहीं करे तो लॉयर क्यों आया था? जसुबेन के अलावा कौन सा बड़ा राक्षस है हमारी लाइफ में? तुम्हारी लाइफ में तो है ना मैच जिसके ऊपर तुम केस भी नहीं कर सकते। कुरियन कौन है भाई? ये श्रुति जोशी यहीं रहती है? चंदा मांगना है तो नहीं रहती? अरे नहीं उनके नाम का कुरियर है। कौन है बिनीलाल? लाओ कहाँ साइन करना है? आप कौन लग? मैं यहाँ काम करता हूँ। एक मिनट आप नहीं ले सकते सर। श्रुति जोशीपुरा जी अगर घर पे नहीं है तो किसी परिवार वाले को उनके साइन करने पड़ेंगे। बोलता क्यों नहीं कौन है? अरे कुरियर है। अम्मी बेटा जरा दस्तखत कर देना। इन्हें लगता है कि हम परिवार वाले नहीं है। देखिए चिट्ठी कहां से आई है। ओहो आपने तो चश्मा भी नहीं पहना है। मैं फाड़ के देती हूँ। टन टन देखो मैं तुम्हारे लिए चाइनीज पिज्जा लेके आई हूँ। चाइनीज पिज्जा? खुशबू खुशबू उठो उठो संभाल के संभाल के। कितनी बार तुझसे कहा है कि संभल के चला कर लेकिन ये लड़की है ना बस। गिरी कैसी तू? तुम्हारे स्केट से। हाँ कुछ नहीं हुआ है जरा सी चोट है। फूंक मार देती हूँ ठीक हो जाएगा। मैं ना घर के लिए उसे लाए ना। श्रुति 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 कहाँ है? मुझे श्रुति से कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? श्रुति कहाँ है? बात करने के लिए उसके पास समय नहीं है बहुत काम में है। अच्छा अब वो अब दरअसल मैं तो ये पूछने आई थी कि वो वकील है ना आशीष कोटक वो यहाँ आए थे क्या? हाँ क्यों? हाँ 10:16 पे आए थे और 1:40 पे चले गए। आपको लगा मैंने झूठ बोला? मैंने झूठ बोला है कभी? आपसे कभी झूठ बोला है मैंने जसुबेन? हाय हाय खोटाड़ी। ये लीजिए कार्ड आशीष कोटक। आगे से मेरी बेटी पे शक नहीं करना। और आप क्यों पूछ रही? कुछ काम है क्या उनसे? मुझे
अब मुझे बोला इनसे क्या काम, आप ही रखिए रखिए ना। अब मैं तो दरअसल श्रुति से यही कहने आई थी, जो मामला प्यार मोहब्बत से अगर सुलझाया जा सकता है तो फिर कोर्ट कचेरी करने की क्या जरूरत है ना। देखो ना, पैसों की बात है ना तो मैं ही दे देती हूँ, ये लीजिए। ये लो 20,000 रुपए श्रुति को दे देना। हाँ, और हाँ, अगर श्रुति को ज्यादा पैसे चाहिए तो मुझे बेझिझक बता दे। हाँ, और वैसे भी छत अपनी, घर अपना, और आप सब भी तो अपने ही हो, है ना बेटा। और अपने ही अपनों को मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा, है ना बा। लेकिन ये पैसे हम श्रुति को पूछे बिना कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जो मामला आपस में सुलझाया जा सकता है उसके लिए कोर्ट कचहरी क्यों जाना है, है ना। मुझे नयन, हाँ आपको देर हुई थी। मम्मी, जसू मैंने छत के लिए पैसे दे दिए, अब आपको बैंक में कुछ भी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसे? हाँ, ये पैसे कहाँ? क्या? खुशबू, क्या किया अमी ने? सॉरी दीदी। मामा, कल रात को ना हम सबने मिलकर एक आग बनाया और उसमें ना जस्तू बहन बनी थी और दीदी तो दीदी थी और विक्की भैया पुलिस वाले। आज पहली बार तुम्हारी शैतानी बड़ा काम कर गई है। मम्मी की इतनी हेल्प, थैंक यू मेरी बच्ची। फिर कौन सी पार्टी हो जाए? प्लीज 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 मम्मी, प्लीज प्लीज। और वैसे भी मुझे नानी का पिज्जा नहीं खाना। हाँ अच्छा, ओके, कुल्फी पार्टी मेरी तरफ से। ये सबके लिए कुल्फी लाना और महंगी वाली नहीं, ओके। लपका डाल लेकर आ, सबके लिए कुल्फी। मेरे लिए दो। दो? अच्छा मेरे लिए तीन। वेनीलाल जी, आपने वो चिट्ठी देखी क्या? हाँ, वो तो मैंने श्रुति बहन के कमरे में रख दी। कि? ये रहा इंश्योरेंस कंपनी का लेटर, जरूर चेक होगा इसमें। आज तो मम्मी को दो दो सरप्राइज मिलेंगे, कितनी खुश हो जाएंगी मम्मी। हाँ संजय, बोलो, कैसे फोन किया? इंश्योरेंस कंपनी से एक लेटर आया होगा, आशीष को वो चाहिए था। लेटर? कौन सा लेटर? क्लेम रिजेक्शन लेटर, इंश्योरेंस कंपनी से आया होगा, उसी के बेसिस पर आशीष अपना नोटिस बनाएगा। एक मिनट, मुझे तो कोई लेटर नहीं मिला। नहीं मिला? लेकिन जब मैंने बात की उन्होंने कहा उन्होंने कल ही कुरियर कर दिया था उसे, अब तक तो आ जाना चाहिए था। एक काम करो, घर पे पूछो किसी और ने रिसीव किया होगा उसे। ओके, मैं पूछती हूँ। थैंक्स वेनीलाल जी। वेनीलाल जी, हाँ? कोई कुरियर आया था क्या? हाँ आया था, पर मुझे नहीं दिया, बोला घर परिवार वाले को ही देंगे। अच्छा तो क्या, मैंने नहीं लिया, मेरे हाथ में तो कांटे लगे हुए हैं ना, मैं तो इस घर का नौकर हूँ। वेनीलाल जी प्लीज, कुरियर का क्या हुआ? अम्मी बिटिया ने लिया है, उसी के पास होगा। हाँ उसी से पूछो, जाओ। अमी ने लेटर ले लिया।
भगवान।